जिला कारागार परिसर में शहीद राजकुमार बाग के प्रतिमा स्थल पर आज माल्यार्पण समारोह का आयोजन है और शहादत की बात हो रही, शहादत की चर्चा हो रही। राजकुमार बाग की शहादत की विस्तार पूर्वक की बात कही जा रही है कि जिस तरीके से देश के खातिर, बलिया के खातिर, जिस तरीके से राजकुमार बाग ने लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई। आइए बात करते हैं कि किस तरीके से अंग्रेज़ों को उन्होंने सामना किया, किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ के फेंकने का काम किया, अंग्रेज़ों से लोहा लिया। ये बात करते हैं, पूर्व विधायक हमारे पास सामने हैं गोरख पासवान जी। आज शहादत दिवस पर, चूँकि आज 23 मार्च 2023 भी है, इस अवसर पर आज आप मौजूद हैं, आइए बात करते हैं जी। गोरख पासवान, पूर्व विधायक बेलथर और बलिया। आज राजकुमार बाग का जो है ये शहीद दिवस है और आज ही के दिन जो है जिला कारागार में इनको गोली मारी गई थी। ये बलिया के सिसोटार के रहने वाले थे और वहाँ से अंग्रेज के लोगों ने ये पकड़ करके ले आकर के जेल में बंद किया था। इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ा, इन्होंने यहाँ तक कि जो है ट्रेजरी से लेकर के, रेल से लेकर के, तमाम चीज़ों पर इन्होंने जो है धावा बोला था और अंग्रेज इनको खोज रहे थे, लेकिन किसी तरह से जो है अपना जासूस लगा करके गिरफ्तार किए, गिरफ्तार करके लोग ले आकर के जिला कारागार में बंद किए। इसके बाद इन लोगों ने इसी जिला कारागार में जो है, जबकि इस तरह का कोई वो नहीं था, लेकिन इसके बाद भी इनको गोली मारी गई। इन्होंने देश के आज़ादी के लिए अपने को कुर्बान हुए, अंग्रेज़ों ने गोली मारा और आज देश आज़ाद है, तभी हम लोग जो है आज स्वतंत्र जो है जी रहे हैं, स्वतंत्र जो है नींद, आज जो है चैन की नींद सो रहे हैं। इसलिए राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्रभक्ति बड़ा है और जो भी सेनानी रहे हैं उनका सम्मान होना चाहिए और चढ़ बढ़ करके जो है होना चाहिए और इसको हर लोगों को जो है इसमें भाग लेना चाहिए, भाग ले करके जो है इसको और जो है विस्तार रूप से बढ़ाना चाहिए। राजकुमार बाग अमर रहे, राजकुमार बाग अमर रहे। गोरख पासवान जी ये कह रहे थे कि परिवार की क्या स्थिति, क्या परिवार को सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिल रहा है? ये बहुत दुखद है, ये जितना कहा जाए वो कम ही है। इनके परिवार को जो सरकार से मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिली। पहल हुई, पहल तमाम किया गया, इनके नाम पर स्कूल के लिए भी पहल किया गया, इनके नाम पर जो है और संस्थाएं चलाने के लिए जो है प्रयास किया गया, यहाँ तक कि अब इनके जो निवास स्थान है वहाँ भी जो है रहने होने के लिए तमाम इनके जो पीढ़ियाँ जो चल रही है, सामने की पीढ़ी, हाँ सामने की पीढ़ी, उनके लिए तमाम दिक्कत है। लेकिन सरकार से जिस ढंग से मदद होनी चाहिए वो ढंग से मदद नहीं हुई और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि ये बड़े मुश्किल से जो है जेल में यहाँ इनको स्थान मिला इस आज़ाद भारत में, वो भी एक खजान सिंह जो है यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने जो है इतनी ज़मीन को जो है उन्होंने अलाट कराया था, जबकि कहीं बलिया में जो है इस तरह की ना इनको चट्टी चौरा है ना कहीं जो है जगह मिला, ये कंपस में वो भी बड़ा मेहनत किए और मेहनत करके अलाट करा करके थोड़ी सी जगह दिए, तो इनका विस्तार होना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव चला, शहीदों पर शहीदों की बात कही जा रही है, शहीदों के सम्मान की बात कही जा रही है, उनके परिजनों के हक की बात की जा रही है, तो हमें लगता है आप चुप कर गए, कहीं कुछ नहीं अपनी बात रख पा रहे हैं। ये यहाँ अभी प्रोग्राम जो लगा था, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे और यहाँ माल्यार्पण भी किया। मैं बात करें तो 19 अगस्त 2022 की, जी जी, और संयोग से मैं मंच पर नहीं था, हमारी ड्यूटी जो है उनके रिसीविंग हेलीकॉप्टर पर लगा दी गई थी, लेकिन जो लोग यहाँ थे उनको कम से कम यहाँ बात करना चाहिए था और बात करके जो है इसका विस्तार होना चाहिए था, या जो भी जो है सुविधा मुहैया कराना हो या विस्तार की बात हो या उनके परिवार की बात हो इस पर करके जो है कराना चाहिए, उनके नाम से जो है जो भी हो, चाहे एक बस तक भी अभी नहीं चलाई गई उनके नाम पर, एक यहाँ तक बस भी नहीं चलाई गई, ये खेद है इस बात का, जबकि इसी कैंपस में आकर के उन्होंने माल्यार्पण किया था। तो इनके नाम पर जो है बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ये जो भी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, या हम लोगों ने तो मांग किया था कि अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो उन पर भी रखा जाए, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कमजोरी हो जा रही है जिसकी वजह से जो है आज हम लोग बैक है, बैकफुट पर। राजकुमार बाग जी की शहादत बेकार नहीं जाएगी, अब समाज उनके लिए लड़ाई लड़ेगा।
जहाँ तक बात बनेगी उनके नाम पे, जो आपने बताया गौरव पासवान जी ने कि बस सेवाएं हो या फिर उनके नाम से बड़ा स्मारक हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, तमाम चीज़ों पे इन्होंने बताया कि सरकार को आगे सोचना चाहिए कि शहीद राजकुमार बाग के लिए क्या किया जा सकता है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।